हाय फ्रेंड्स हमारे चैनल मिशन द कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है आज हमारा जो लेक्चर होगा या आज हमारा जो डिस्कशन होगा वो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के सिलेबस पर और उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिफरेंट एग्ज़ाम में कवर किए जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट एग्ज़ाम में कवर किए जाते हैं उस पर आधारित है ये किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी से या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन से पहले सेलेबस को कंसिडर करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसलिए अब हम स्टार्ट करने वाले सोयल मैकेनिक्स के लेक्चर्स पैरेलली चलेंगे बिल्डिंग मटेरियल और सोयल मैकेनिक्स के लेक्चर पैरेलली अल्टरनेट चलते रहेंगे पैरेलल चलेंगे और अल्टरनेट डेज में इसके इसके वीडियोस की अपलोडिंग होगी और इसलिए ज़रूरी है कि सोयल मैकेनिक्स में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है इसे डिस्कस करना आइए देखते हैं गेट का सिलेबस हम इसमें सभी एग्ज़ाम को कंसिडर करके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे और कौन कौन से टॉपिक किन किन इम्पोर्टेंट किन किन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना अहम बात है सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सोएल्स गेट के सिलेबस की बात करते हैं गेट के सिलेबस में ओरिजिन ऑफ सोइल की बात करेंगे ये इंपॉर्टेंट है बेसिक क्वेश्चन कभी कभी यहीं से पूछता है कि जियोलॉजिकल साइकिल में जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है ठीक है यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एक या दो नंबर का फिर डिफरेंट टाइप्स की जो स्वेल्स होती हैं उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है गेट के क्वेश्चन में एक नंबर या दो नंबर में तो ये जानना जरूरी है ओरिजिन ऑफ स्वेल इम्पोर्टेंट है स्वेल क्लासिफिकेशन ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ये इसी पर्पज से थ्री फेज सिस्टम ता जो थ्री पे सिस्टम बेसिक है वो इंट्रोडक्शन में कवर हो जाएगा फंडामेंटल डिफिनीशन्स ये जो है फंडामेंटल डिफिनीशन्स अति आवश्यक है चाहे कोई भी एग्जाम हो ई एस सी हो गेट हो एस एस सी हो कुछ भी हो उसके लिए अति आवश्यक है ये अब हम बात करते हैं इनके रिलेशनशिप जो फंडामेंटल डिफिनेशन्स हैं उनके रिलेशनशिप्स हैं इससे क्वेश्चन आते हैं गेट में दो नंबर एक नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं परमेबिलिटी एंड सीपेच ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमेबिलिटी एंड सीपेच इस पर क्वेश्चन हमेशा गेट में आते हैं इफेक्टिव स्टेस प्रिंसिपल पर भी गेट में क्वेश्चन आता रहता है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का वेटेज जो है गेट में लगभग बारह से चौदह नंबर बारह से चौदह नंबर का वेटेज रहता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का से गेट में सिविल इंजीनियरिंग के गेट में ठीक है अब इसमें अगर देखा जाए तो सीयर स्ट्रेंथ पे सीयर स्ट्रेंथ से भी क्वेश्चन आता है दो नंबर के आसपास का गेट में फाउंडेशन इंजीनियरिंग अब ये तो सोयल मैकेनिक्स की बात थी सोयल पोर्शन की बात थी अब बात करते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग के गेट के सिलेबस में क्या क्या है फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पार्ट सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन ये बेसिकली थियोरेटिकल पोर्शन है ज़्यादा इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है सैम्पलिंग सैम्पलिंग सिस्टम ये थ्योरेटिकल पोर्शन है पेनिट्रेशन टेस्ट एंड प्लेट लोड टेस्ट इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट पर क्वेश्चन गेट में आते हैं ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अर्थ प्रेशर थ्योरीज अर्थ प्रेशर थ्योरीज पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है इफेक्ट इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल एंड इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट पर वाटर टेबल का क्या इफेक्ट होता है ये ये हम पेनीट्रेशन वैल्यू करेक्शन फैक्टर के रूप में भी यूज करते हैं ये भी आता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप स्लोप स्टेबिलिटी स्लोप स्टेबिलिटी में इनफाइनाइट स्लोप भी आते हैं और फाइनाइट स्लोप भी आते हैं जो फाइनाइट स्लोप होता है ये गेट परपज से डायरेक्ट स्टेबिलिटी नंबर्स वगैरह निकालना इस पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं फंडामेंटल टाइप्स ऑफ़ फ़ाउंडेशन अब आगे बात आती है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन ये तो बेसिकली आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है ये याद हो जाएगा आपको वैसे पढ़ने में सैलो फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी इस पे पर क्वेश्चन गेट में हमेशा आते हैं सैलो फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेशन पर क्वेश्चन आते हैं इफेक्ट ऑफ सेफ वाटर टेबल एंड अदर फैक्टर्स इस पर भी क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं मोस्टली आते हैं ठीक है स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन ज़्यादा वो चांस नहीं है लेकिन स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड बेयरिंग कैपेसिटी से रिलेशन उसका क्या है इस पर क्वेश्चन आता है अरेंज करने के लिए वन मार्क्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है गेट में सेटलमेंट सेटलमेंट एनालिसिस इन सैंड एंड क्ले सॉइल ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का है डीप फाउंडेशन हाँ डीप फाउंडेशन में पाइल टाइप क्या है डायनामिक एंड स्टैटिक फार्मूला फॉर पाइल टाइप पायल लोड कैपेसिटी के फाइंड आउट करने के लिए डायनेमिक एंड स्टैटिक फार्मूला कौन कौन से हैं ये इस पर क्वेश्चन आता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या होता है इस पर क्वेश्चन आते हैं ये पाइल वाला पोर्शन जो है पाइल फाउंडेशन पाइल लोड कैपेसिटी डिटर्मिनेशन बाय द डायनेमिक एंड स्टैटिक फार्मूलाज इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन पर भी क्वेश्चन आते हैं तो ये हमारा टोटल गेट का सिलेबस हुआ है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको हमने देखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए गेट के पर्पज से इंपॉर्टेंट है अब हम बात करते हैं ई एस सी के सिलेबस के सिविल इंजीनियरिंग के यू पी एस सी सिलेबस आई ई एस सी के आप में कौन कौन से हैं प्रॉपर्टीज ऑफ़ सोइल गेट में जैसा बेडेज़ इसका प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल टाइप्स ऑफ सोइल सोइल की ओरिजिन ये है इस पर आधारित है फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल इससे भी क्वेश्चन आते हैं गेट में ई में गेट की तो बात हमने कर ली ई के सिलेबस में सोयल मैकेनिक्स का बेटेज बहुत अच्छा खासा होता है पेपर के प्री यानी कि प्री में कन्वेंशनल पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर दोनों में दोनों में इसका काफ़ी बेटेज होता है अगर हम बात करें कि प्री में तीन सौ नंबर के पेपर में यानी कि डेढ़ सौ के क्वेश्चन डेढ़ सौ क्वेश्चन में लगभग फिफ्टीन टू ट्वेंटी फिफ्टीन टू ट्वेंटी एवरेज फिक्स नहीं है इसका क्वेश्चन आते हैं सोयल मैकेनिक्स का आप समझ सकते हैं कि सोयल मैकेनिक्स का बेटेज कितना है ऑप्शनल में और सब आ, सब्जेक्टिव आ, या आ, नहीं ऑब्जेक्टिव केस में अब सब्जेक्टिव केस में इसका वेटेज तो ई एस सी और एस एस सी मेन्स दोनों में बहुत अच्छा खासा है सोयल मैकेनिक्स को हम फाउंडेशन फाउंडेशन मानते हैं सिविल इंजीनियरिंग की और रियली सोयल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में फाउंडेशन की स्टडी भी करते हैं अब आगे हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन हमने बता दिया इम्पॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है फिर इसके बाद इंटर रिलेशन डिफिनी इसमें शो नहीं किया है मगर डिफरेंट डिफिनीसंस टर्म्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परमियाबलिटी सीपेज फ्लोनेट्स ये देखिए ये इंपॉर्टेंट ये पोर्सन परमियाबिलिटी क्या है सीपेज क्या है फ्लोनेट्स कैसे कैलकुलेशन एंड डिस्चार्ज कैलकुलेशन फ़्लो डिस्चार्ज या सीप डिस्चार्ज कैलकुलेशन इन्वर्टेड फ़िल्टर के डिजाइन ये कन्वेंशनल परपज़ से होता है कंप्रेसिबिलिटी कंसोलिडेशन शेयरिंग रजिस्टेंस ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं फिर सॉयल टेस्टिंग इन लेबोरेटरी एंड इंस्टीट्यूट ये इंटरव्यू परपज़ से ये एस सी के एग्जाम के इंटरव्यू परपज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम बात करते हैं स्ट्स पाथ एंड अप्लिकेशन बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कब थ्योरेटिकल uh, पोर्सन में ये कवर हो सकता है अर्थ प्रेशर थ्योरी देखिए ई एस सी मेन्स और एस एस सी जी मेन्स में अर्थप्रेशर थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं दस पंद्रह नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको नोट डाउन कर लेना आप स्टडीशन इन स्वाइल जनरल है ये स्वाइल एक्सप्लोरेशन ये जनरली थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर ये एस सी या एस एस सी जे मेन्स में पूछ सकता है तो पूछ सकता है मगर अभी तक तो शायद तो पूछा हो अब बात करते हैं जो टेस्ट होते हैं प्लेट लोड टेस्ट पेनिट्रेशन टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है भाई एस एस सी जे और ई एस सी दोनों के मेन्स के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव परपज़ से भी इंपॉर्टेंट है बात करते हैं फाउंडेशन इंजीनियरिंग की फाउंडेशन इंजीनियरिंग में टाइप्स ऑफ फाउंडेशन थोरेटिकल है याद हो जाएगा सेलेक्शन क्राइटेरिया भी बियरिंग कैपेसिटी मेन फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन की बियरिंग कैपेसिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे वो पूछ है इंपॉर्टेंट है सेटलमेंट डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट ऑन फाउंडेशन ये भी किया जाता है ये इंपॉर्टेंट है इसी में आता है आपका पेंट्रेशन टेस्ट आता है प्लेट लोड टेस्ट आता है इसी में इसी में कंसिडर किया जाता है वो भी टाइप्स ऑफ पाइल्स हाँ अब जो पाइल वाला पोर्सन है वो इम्पोर्टेंट है पहला टाइप्स ऑफ पाइल्स देर डिज़ाइन एंड लेआउट फिर फाउंडेशन ऑन एक्सपेंसिव सोइल्स उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है कभी कभार पूछ देता है ठीक है नेक्स्ट ये तो ऐसे सॉल्ट में ये सी का सिलेबस है अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा सिलेबस है ये यू पी एस सी आई ए एस ऑप्शनल ग्रुप सिविल इंजीनियरिंग मतलब आई ए एस एग्ज़ाम के लिए ऑप्शनल ग्रुप सिविल इंजीनियरिंग से जियो इंजीनियरिंग या सोइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है इसे देखना जरूरी है इम्पोर्टेंट है ये अगर हम चाहें मतलब जो लोग यू फोकस करते हैं और सिविल ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे सिविल ऑप्शनल सब्जेक्ट फोकस करते हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि सिलेबस क्या है मेनली उसका सिलेबस क्या है अब देखिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं सोइल टाइप एंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सॉइल टाइप एंड स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ग्रेडेशन एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पूछ सकता है ग्रेडेशन एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन डी सिक्सटी डी सिक्सटी पार्टिकल्स डी टेन पार्टिकल्स क्या है फिर उसके बाद कोफिशेंट ऑफ कमेचर कोफिशेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं ये सॉइल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइज सॉइल पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित होते हैं ये सब क्वेश्चन फिर इसके बाद कंसिस्टेंसी लिमिट्स ये इसका रोल तो हर जगह है ऑब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में बेसिकली कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी लिमिट का रोल होता है अब वाटर इन वाटर इन सोयल सॉयल में कौन कौन से वाटर होते हैं कैपिलरी वाटर और स्ट्रक्चरल वाटर इसकी बात इसमें है अब इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर पे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप मगर इसका पेपर जो है कन्वेंशनल होता है आई ए एच के दो पेपर होते हैं पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट ए में ढाई सौ नंबर का ढाई सौ और पार्ट बी भी ढाई सौ नंबर का होता है सोयल मैकेनिक्स पार्ट बी का पोर्शन है फील्ड एंड लेबोरेटरी टे, टेस्ट ऑन परमियाबलिटी परमियाबलिटी पे फील्ड फील्डेड लेबोरेटरी टेस्ट कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये ई एस सी गेट और यू पी एस सी तीनों परपज से इंपॉर्टेंट है एस एस सी जई यहाँ तक कि एस एस सी जई के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी इसके क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए ये जरूरी है क्विक एंड कंडीशन ये जो स्पेशली क्विक एंड कंडीशन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये सी गेट यू पी एस सी एग्जामिशन पर भी बनाए जाते हैं और यहाँ तक कि एस एस सी जई जनरली क्विक एंड कंडीशन का फार्मूला भी पूछ देता है शेयरिंग स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन सॉइल की सीयरिंग स्ट्रेंथ क्या होती है शेरिंग स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन का मोहर कॉन्सेप्ट ये थ्योरेटिकल है इसको बस जान लेंगे कंपैक्ट और इसमें और कौन से जो है सैयरिंग स्ट्रेंथ का करेक्टेड uh, मोहर सर, मोहर कॉन्सेप्ट या मोहर कोलम थ्योरी इस पर हमें जानना है ठीक है सेयरिंग स्ट्रेंथ और सेयरिंग स्ट्रेंथ के जो लेबोरेटरी और फील्ड टेस्ट होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें भले मेंशन ना किया हो लेकिन वो इम्पोर्टेंट है यहाँ कह रहा है कंपैक्शन ऑफ सॉइल लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट सॉइल का कंपैक्शन, कंपैक्शन में लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट कैसे किया जाता है जैसे ऑप्टीमाइसर कंटेंट डिटर्मिनेशन, डिटरमाइन करना मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन करना फिल्ड डेंसिटी डिटर्मिनेशन तो ये सब जो है लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट ऑफ सॉइल्स में आता है ये इंटरव्यू पर्पज से हैं ये सब टॉपिक्स ये टॉपिक्स जो है इंटरव्यू पर्पज से इंपॉर्टेंट है कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलीडेशन ऑफ सॉइल कंसुलडेशन थियोरी देखिए वन डी वन डायमेंशनल कंसोलाइडेशन थियोरी कंसोलाइडे थ्योरी एंड आल्सो टू डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी सेटलमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरी एनालिसिस रिटर्न माल ये क्वेश्चन ये मेंस के पर्पज से है अरे ऑप्शनल 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 सब्जेक्ट में जो ढाई नंबर का क्वेश्चन पेपर पार्ट भी है जिसमें सोयल मैकेनिक्स भी है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है ये वेटेज रखता है यहाँ पे स्कोरिंग होता है ना जो ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट है पार्ट है और पार्ट भी है ढाई ढाई सौ नंबर का टोटल पाँच सौ का ये उसमें वेटेज अच्छा खासा रखता है ठीक है अप्लिकेशन एंड ऑफ सीट पाइल्स ब्रेस्ट ब्रेस्ट एक्सवेशन जरूरी नहीं है बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल सोइल की बेयरिंग कैपेसिटी ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानना है कम हम बेसिकली सबको पढ़ना सबको सिलेबस को जानना इसलिए आवश्यक है ताकि हम स्क्रीन कर सकें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जान सकें और लास्टली हम अपनी स्टडी स्ट्रेटजी को ऐसे सेट करें कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस कर लें ठीक है आइए बात करते हैं फील्ड टेस्ट हाँ ये देखिए फील्ड टेस्ट फील्ड टेस्ट कन्वेंशनल पर्पज से गेट में भी एसी में भी और यहाँ तक कि आई एस आई एस के कन्वेंशनल पेपर में भी आता है ठीक है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोपरक स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप स्लोप की स्टेबिलिटी फाइनाइट और इनफाइनाइट है इसमें जनरली फाइनाइट तो, स्लोप की स्टेबिलिटी जो है कंसिडर करेंगे और वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब सरफेस एक्सप्लोरेशन ऑफ़ सॉयल्स थ्योरेटिकल है नॉर्मली देख लिया जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा और कैसे किस मेथड से करते हैं ये थ्योरेटिकल है ये सब पोर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टाइप एंड सलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर हाँ ये है टाइप्स ऑफ फाउंडेशन एंड सलेक्शन क्राइटेरिया इसे भी जानना ज़रूरी है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ स्टेज फॉर फुटिंग एंड पाइल पाइल और फुटिंग के लिए स्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है हाँ यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बार बार मैं बताया हूँ गेट में भी और ई में भी यहाँ तक कि यू पी एग्जाम में भी ये देखा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं पाइल ग्रुप एक्शन पाइल लोड टेस्ट पाइल ग्रुप एक्शन पाइल ग्रुप एक्शन और सिंगल पाइल एक्शन कैसे होता है कैपेसिटी क्या होती है एफिशिएंसी कैसी होती है और पाइल ग्रुप पाइल ग्रुप या पाइल की लोड बियरिंग लोड कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए लोड टेस्ट किए जाते हैं पाइल लोड टेस्ट किए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है गेट के लिए एसी के लिए आई के लिए यहाँ तक कि एस एस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ग्राउंड इंप्रू इंप्रूवमेंट टेक्निक्स जो है अपने इंटरव्यू पर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं ओवरऑल सब सिलेबस जो है देखा जाए तो जो टेक्निकल के जो सिलेबस हैं इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है मगर हमें जानना जरूरी है कि क्या क्या है सिलेबस कंफर्म होना अति आवश्यक है एग्ज़ाम के लिए अब हम बात करते हैं जैसे स्वाल मैकेनिक्स ये एस एस जेई का सिलेबस है ये किसका है एस एस सी जे जेई भी अच्छे से पॉइंट इंडिकेट किया गया है in, इंडिकेट in, किया है कि कौन कौन से टॉपिक्स सॉइल मैकेनिक्स में एस एस सी जे से इंपॉर्टेंट है सबसे पहले ओरिजिन ऑफ सॉइल देखिए ये एसी सी में था गेट में था एस में था सब में तो ओरिजिन ऑफ सॉइल इंपॉर्टेंट है एस एस सी जेई के लिए ऑप्शनल optional, ऑप्शनली सबसे इंपॉर्टेंट है फिर डायग्राम डिफिनीसन डिफिशन जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप से ई एस और गिड और यहाँ तक कि एस एस सी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा आपजिटी की डायरेक्ट डिफिनशन पे क्वेश्चन पूछ सकता है रेशियो की डायरेक्ट डिफिनशन पे डिग्री ऑफ एसरेशन की डायरेक्ट डिफिनीन पे एस एस में क्वेश्चन पूछता है वाटर कंटेंट पर भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोयल इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है तो ये ऑप्शनल ऑप्शनल पर्पज़ से ये जो है अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर्पज़ से ये ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है ये जो ऊपर टॉपिक इंडिकेट किए गए हैं वेट डेंसिटी वेट डेंसिटी इंडेक्स इंटर रिलेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ये इंपॉर्टेंट है फिर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर ये हमारा मेंस मेंस में पूछ सकता है कभी कभार पूछ देता है अब की बार जो है एस एस सी चाहिए के एग्जामिनेशन में ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था डी सिक्सटी की वैल्यू डी टेन की वैल्यू पूछा डिटरमाइन करने को कोपिशेंट ऑफ कर्वेचर एंड कॉपिशंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी डिटरमाइन करने के लिए पंद्रह नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था ठीक है पंद्रह नंबर में ये क्वेश्चन सॉरी फिफ्टीन नंबर में ये पूछा था ठीक है क्लियर छोड़िए अब जो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं इंडेक्स प्रॉपर्टीज पे अटरबर्ग लिमिट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई अटर इंडेक्स प्रॉपर्टीज और अटरबर्ग लिमिट्स इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं ये आते ये सेम में इन सबका बेटिस जाता है इसलिए ये स्पेसिफाई इस करना स्पेशली इस इसको पढ़ना अति आवश्यक है अब क्लासीफिकेशन से कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि किस टाइप में सवाल आती है ये इसकी अगर प्लास्टि प्लास्टिसिटी इतनी है सिल्ड कंटेंट इतना है सैंड कंटेंट इतना है तो फिर डिफाइन कीजिए कि ये किस कैटेगरी में किस सवाल है ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी कभी और परमियाबलिटी ऑफ सॉइल कोफिशेंट ऑफ परमियाबलिटी डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशेंट ऑफ परमियाबलिटी ये है फील्ड टेस्ट और लेबोरेटरी टेस्ट काफी ऑफ परम्यूबल्टी फाइंड आउट करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तीन चारों पाँचों एग्ज़ाम के लिए अनकन्फाइंड एंड कन्फाइंड एकपर्स ये जनरली हम इरिगेशन वगैरह में भी देख लेंगे डब्ल्यू आर में भी ये पोर्शन है तो यहाँ इसको हम कवर कर सकते हैं कि उसकी इल्ड कैपेसिटी क्या होती है सॉइल कैपेसिटी क्या होती है अनकनफाइंड एंड कन्फाइंड एक में वाटर एल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है इस पर क्वेश्चन जो है डेट में पूछ सकता है क्या वेरिएशन होता है कैसे होता है उसकी इल्ट कैपेसिटी में वाटर टेबल वेरिएशन के वाटर वेरिएशन कैसे होता है ठीक है अब इफेक्टिव इफेक्टिविस्ट को एक इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी फार्मूला बेसिस पूछ लेता है इफेक्टिव स्ट्रेस भी कंसिडर किया गया है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन देखिए ये ये क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन ये टॉपिक जो है हमारा ये मेनली एस एस सी चाहिए कन्वेंशनल यानी कि मेन्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन प्री कंसोलिडेशन नॉर्मल कंसोलिडेशन ई ई लॉक पी कर्व कंप्यूटेशन ऑफ अल्टीमेट सेटलमेंट मतलब कंसोलिडेशन वाला जो पोर्शन है ये गेट में भी इम्पोर्टेंट है ई एस सी में मेन्स के पर्पज से इम्पोर्टेंट है और प्लस एस एस सी चाहिए मेन्स में भी ये इंपॉर्टेंट है ठीक है प्रिंसिपल ऑफ कंसोलिडेशन डिग्री ऑफ कंसल्टेसन ये इंपॉर्टेंट है इसे कंसिडर करिएगा बिल्कुल हाईलाइट करना है सी स्ट्रेंथ ऑफ स्वैल ये भी गेट में भी इंपॉर्टेंट है ई में इंपॉर्टेंट है और यहाँ तक कि एस एस जेई में भी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सी टेस्ट पूछ देता है कभी अब की बार ही पूछा था मैंने एग्जाम दिया था 2013 तो में तो इसमें पूछा था डायरेक्ट सी टेस्ट को एक्सप्लेन करना था दस नंबर में था और बिल्कुल बिल्कुल ईजी था मगर वहाँ दो घंटे में अटैम्प्ट करने होते हैं तीन नंबर के पेपर तो टाइम बाउंडेशन की वजह से आप हिजकेट मतलब इसमें आपको हेजिटेशन हो सकती है थियोरेटिकल पोर्शन है इसलिए आप जो है जो सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल है इसमें टेस्ट जो होते हैं एस एस के कन्वेंशनल परपज से डायरेक्ट सियर टेस्ट हो गया वेन सीयर टेस्ट हो गया, गया ट्राई एक्सल टेस्ट हो गया ये तीनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ठीक है अब बात करते हैं सोइल का बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कभी कभार नहीं कभी मतलब वैसे अभी नहीं पूछा है अब जो लेबोरेटरी टेस्ट हैं कंपेक्शन के लेबोरेटरी टेस्ट हैं जैसे एम निकालना एम का मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करना ओ फाइंड आउट करना ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फाउंड फाइंड आउट करना ये जरूरी है अब अर्थ प्रेशर थ्योरीज देखिए जो कन्वेंशनल परपज इंपॉर्टेंट है मैं उसको सर्कल करते जा रहा हूँ अर्थ प्रेशर थ्योरीज जो अर्थ प्रेशर थ्योरीज है एक्टिव प्रेशर एक्टिव अर्थ प्रेशर पैसि अर्थ प्रेशर अर्थ प्रेशर एट रेस्ट अब की बार क्वेश्चन क्या हुआ था एस एस सी के कन्वेंशनल uh, में अर्थ प्रेशर थ्योरी पर क्वेश्चन नॉर्मली आया था रिटेनिंग वाल पर टोटल अर्थ प्रेशर निकालना था सेंटर ऑफ अर्थ प्रेशर निकालना था लेकिन क्वेश्चन का बिल्कुल चेंज कर दिया था क्वेश्चन क्या था एक्टिव प्रे, अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर न देकर उसने क्या दिया था अर्थ प्रेशर एट रेस्ट यहाँ पे जो कोवेशन ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट होता है आधे लोग मतलब आधे से ज़्यादा लोग तो यहीं पे इनकी ही कहानी ख़त्म हो गई फार्मूला उन्होंने ही गलत यूज़ कर दिया म्यू अपन वन माइनस म्यू फार्मूला यूज करने की बजाय उन्होंने यूज किया वन माइनस एन फाई अपन वन प्लस नाइन फाई या वन प्लस सैन फाई अपन वन माइनस एन फाइव के और के पी का फार्मूला नहीं यूज़ करना है यहाँ पे के नॉट का फार्मूला यूज़ करना होगा अगर एट रेस्ट कंडीशन में दिया हुआ है तो कंसिडर करना है पेपर में ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बातें हैं अब बात आती है बेयरिंग कैपेसिटी के टेस्ट जो है प्लेट लोड टेस्ट आता है क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट आता है इसका क्वेश्चन प्लेट, लो, प्लेट लोड टेस्ट निकालने के लिए प्लेट लोड टेस्ट को डि, डिस्क्राइब करना होता है कन्वेंशनल में एस एस के फिर स्टैंडर्ड पेंटेशन टेस्ट इसको डिस्क्राइब करना है तो मतलब पेपर समझ लीजिए एक तरीके से कि आउट ही होता है बस हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है ये था हमारा टोटल सबका सिलेबस और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने सबको डिस्कस कर मतलब कि देख लिया और उसी हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन स्टेट सेट करेंगे आइए अब प्रेफर करते हैं कि कौन कौन से बुक हमें प्रेफर करना चाहिए प्रिपेरेशन के लिए पहली चीज लिस्ट ऑफ़ स्टैंडर्ड बुक्स स्टैंडर्ड बुक कौन कौन सी है इसे हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कम से कम मटेरियल हो ज़्यादा स्क्रीन मटेरियल हो वो हमें मिल सकता है बेसिक एंड अप्लाइड सॉयल मैकेनिक्स बाई ए एस राव एंड गोपाल रंजन ये सफिशियंट है किसी भी एग्जाम हो चाहे ए सी हो गेट हो ए एस हो कोई भी हो उसके लिए ये ए एस राव एंड गोपाल रंजन की सॉयल मैकेनिक्स की बुक जो है सफ़ीशियंट है लेकिन आप डिटेल स्टडी करना चाहते हैं पी करना चाहते हैं एमटेक करना चाहते हैं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग से तो उस केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप के आर अरो सॉयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के आर अरो की के आर अरो की प्रेफर करें या फिर बीशी पूनमिया की प्रीफर करें ठीक है और मैं नेक्स्ट बात करना चाहता हूँ चौथी स्टैंडर्ड बुक जो है बाई ब्रजा एहमदास ब्रजा एहमदास की जो फंडामेंटल ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है ब्रजा एहमदास की यह भी स्क्रीनड है गोपाल रंजन की तरफ से स्किन बुक है लेकिन ये इसकी कैटेगरी जो है थोड़ा सा इससे इस जो एस राव एंड गोपाल रंजन है वो सबसे बेटर बुक है ठीक है अब हम बात करते हैं जो टेक्निकल इंजीनियरिंग बाई एस मूर्ति ये भी अच्छी खासी बुक है ये स्टैंडर्ड बुक ये भी है तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग बाई एस मूर्ति ये हम जो है कंसेप्टिव भी है प्रैक्टिकल भी है और प्लस जो है न्यूमेरिकल पर्पज भी हाँ सबसे अच्छी बात मैं जो करने जा रहा हूँ सोयल मैकेनिक्स में वो हमें प्रैक्टिस के लिए एक और कुछ इम्पॉर्टेंट थोरिटिकल पॉइंट्स हो कन्वेंशनल के हो गेट के पर्पस गेट के जो हैं क्वेश्चंस हो ऐसी के क्वेश्चंस हो उसको कवर किया गया है प्रॉब्लम्स इन सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग बाय देवाशीष मोहित्रा ये इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस पर्पस से ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आप इसे ज़रूर देख लेना अगर इसका पी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे जो है लिंक में, में जो है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा जहाँ से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है अगर आप कुछ नहीं करते हो इसमें से कोई बुक फॉलो नहीं करते हो फिर भी अगर आप इस पे प्रैक्टिस कर लेते हो आपको बेसिक नॉलेज है आपने बेटे कंप्लीट किया है तो आप अपने बेसिक नॉलेज से इसे जो प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स इन सोयल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में देवाशीष मोहित्रा से की है जो बुक उसको पढ़कर एग्जाम कोई, कोई भी चाहे गेट हो, हो एससी हो एस हो आप क्रैक कर सकते हैं इसे आप प्रीफर करिएगा ये प्रीफर करिए और एसरा राव एंड गोपाल रंजन की बुक प्रीफर करिए ज़्यादातर मैं यही रिकमेंड करूँगा हम बाकी आप इच्छा अप, इच्छानुसार जो चाहें वो कर सकते हैं धन्यवाद आज के लेक्चर आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है हमारे चैनल मिशन दे कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट को शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद